हर बार जब चुनाव आता है तो राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए तमाम हथकंडे अपनाते हैं। इसके लिए सबसे बड़ा हथियार होता है पार्टी का घोषणा पत्र। अपने अपने घोषणा पत्रों में पार्टियां जनता से वादों की बौछार कर देती हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद इन वादों का क्या होता है ये सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो क्या है इन चुनावी वादों की हकीकत, देखिए इस रिपोर्ट में। राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्रों में बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतकर सत्तारूढ़ होने वाला दल अपने वादों को पूरा नहीं करता और हारने वाला दल भी सत्ता नहीं होने की बात कहकर बच जाता है। लेकिन जब दोबारा चुनाव आते हैं तो उन्हीं वादों के साथ फिर जनता के सामने उतर जाते हैं। पिछले घोषणा पत्रों के जरिए हमने इनकी हकीकत जानने की कोशिश की है, जो आप भी देखिए। चुनावी वादों की हकीकत, 2009 में कांग्रेस के वादे, ग्रामीण इलाकों में रोजगार गारंटी योजना का विस्तार, प्रत्येक ग्रामीण को 100 रुपए के हिसाब से 100 दिन का रोजगार, कौशल विकास के लिए 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन शुरू करने का वादा, राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवी कोर कमेटी की स्थापना, 18 से 23 वर्ष के युवाओं को 2 वर्ष तक राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में भाग लेने का मौका, इसके लिए उन्हें परिश्रमिक भी दिया जाएगा। चुनावी वादों की हकीकत, 2014 में बीजेपी के वादे, भारी प्रभाव वाले क्षेत्रों जैसे श्रम आधारित निर्माण और पर्यटक का रणनीतिक विकास, कृषि और संबंधित उद्योगों और खुदरा के परंपरागत रोजगारों का आधुनिकीकरण, साख और बाजार संपर्कों के जरिए मजबूती, युवाओं को उद्यमिता और ऋण की सुविधा के जरिए स्वरोजगार का प्रोत्साहन, बहुकौशल कार्यक्रम शुरू करके रोजगार की समस्या हल, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार सृजन और उद्यमिता पर जोर, सालाना 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने युवाओं के रोजगार को लेकर अपने घोषणा पत्रों में तमाम वादे किए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्या रहा देश में युवाओं के रोजगार का हाल, वो भी देख लीजिए। 2010 3.54%, 2011 3.53%, 2012 3.62%, 2013 3.46%, 2014 3.41%, 2015 3.49%, 2016 3.51%, 2017 3.52%, 2018 6.1%। तो जिस तरह से अपने अपने घोषणा पत्रों में राजनीतिक पार्टियों ने बेरोजगारी को लेकर तमाम घोषणाएं की थी, लेकिन उसका असर चुनाव जीतने के बाद दिखाई नहीं दिया, इसका उदाहरण ये आंकड़े हैं, जो ये बताते हैं कि चुनावी वादों को पूरा करने में सभी राजनीतिक दल काफी पीछे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक ये पार्टियां इन घोषणा पत्रों से जनता को लुभाने में कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।